नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ 500 जीके क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो आज के इस पार्ट में मैंने जो है प्रश्न को शामिल किया है, वो क्वेश्चन जो हैं वो 2010 के वीडियो के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने इस क्वेश्चन पेपर में शामिल किया हुआ है कि उनके जीके उसके जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आए थे 2010 में उनको मैंने शामिल किया है। और सभी क्वेश्चंस जो इतने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं UP SSSC SSC लेखपाल UP PCL वीडियो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो आप जो है इन क्वेश्चंस का आंसर आप भी दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे ये बताना चाहूँगा क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट पेपर है तो आप जो है एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए और उसमें जो है जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा उसका आंसर आप जो है लिखिएगा और लास्ट में जो एनालिसिस कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, मनीला, तो इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप जो है अपना आंसर नोट डाउन करते रहिएगा और आखिर में जो है इसको इसका एनालिसिस कीजिएगा। तो दोस्तों आज इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट, न्यूयॉर्क इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई सेवाग्राम में, डांडी में, साबरमती में, वर्धा में, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर होगा भी, डांडी से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का कार्य है, जो राजनीतिक दल हैं पार्टियाँ हैं उनका कार्य क्या है? शिक्षा का प्रचार करना, निर्धनों की मदद करना, या फिर अस्पतालों का निर्माण करना, चुनाव में प्रत्याशी खड़े करना, तो इन चार में से क्या हो सकता है? बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन चारों में, तो आप बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीन का यहाँ पर सही आंसर होगा डी, चुनाव में प्रत्याशी खड़े करना जो है राजनीतिक दलों का कार्य है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका। जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है हमारी उसकी स्थापना किस कंट्री के सहयोग से मदद से की गई? तो क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पे सही आंसर इसका होगा दोस्तों ए, स्विट्जरलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? अमृत सेन, जगदीश चौधरी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आर एस सिंह। तो दोस्तों बहुत ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग किसी हर किसी को इसका आंसर पता होगा, तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर नोट डाउन करिएगा। और तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, श्रीनगर, तो इन चार में से कौन सा उसका सही आंसर होगा? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही आंसर होगा सिक्स का डी, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया रानी बालाबाई ने, रानी कनकावती ने, रानी ताराबाई ने, रानी हांडी ने, किन इन चार में से वो कौन सी महारानी थी जिन्होंने इसका निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा बी, रानी कनकावती ने जो है निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नौ। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया 22 मार्च 1957, 28 मार्च 1957, 1 जनवरी 1957, 1 अप्रैल 1957, तो इसमें से क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों आप अपना आंसर जो है नोट डाउन करते रहिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ए, 22 मार्च 1957 को जो है अपनाया गया था। तो दोस्तों जब क्वेश्चन को जो है आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, उसके बाद जो है ऑप्शन को भी सुनिए और आप उसके बाद जो है अपना आंसर नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है?
नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी, जिला परिषद जो है पंचायती राज की सबसे बड़ी इकाई होती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? कालीबंगा के जो लोग थे उनको किस धातु की जानकारी नहीं थी? यहाँ पर कांसा, तांबा, लोहा, उपरोक्त सभी, इनमें से क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आप लोग जो है अपना आंसर नोट डाउन करिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, लोहा। कालीबंगा के लोगों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, उनको इसकी जानकारी ही नहीं थी कि लोहा नाम की कोई धातु है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता? तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षण निरीक्षक, या फिर जिलाधीश, या फिर उपखंड अधिकारी? तो इन चार में से कौन सा हो सकता है जो कि नहीं कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सही आंसर होगा बी, बी होगा यहाँ पर, भू अभिलेख निरीक्षक जो होता है वो जो है एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम के सभी मतदाताओं द्वारा, निर्वाचित पंचों द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, पंचायत समिति सदस्यों द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग इसका हर किसी को आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों ए, ग्राम के सभी मतदाताओं के द्वारा चुनाव किया जाता है जिसमें कि सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की रोनाल्ड रॉस द्वारा, लुइस पाश्चर द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, या जोसेफ लिस्टर द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज जो की थी वो उन्होंने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? टिटनेस से, मेनिनजाइटिस से, या फिर रेबीज, या फिर डेंगू? हाइड्रोफोबिया, इसका क्या हो सकता है सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर होगा सी, रेबीज, रेबीज के द्वारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इनमें से आपको ये बताना है जहर कौन सा है, NaCl, KCN, KCl, K2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड, या फिर K2SO4? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। साइनाइड जो है एक जहर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंघा की कमी से होता है नमक, आयोडीन, पोटेशियम। घेंघा किसकी कमी से होता है ये बताना है, नमक की, आयोडीन की, पोटेशियम की, विटामिन बी की, किन की, इन चार में से वो कौन सा आंसर है जो कि सही आंसर है? तो घेंघा जो है आयोडीन की कमी से हो जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक का यूज़ करना चाहिए। तो घेंघा का जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिर सुषुप्ता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, किसकी कमी से? पोटेशियम, लौह, प्रोटीन, कैल्शियम, तो इनकी किसकी कमी से होता है ये बताना है आपको। तो ये जो हड्डी से रिलेटेड जो है ये डिसीज़ है, तो यहाँ पर जो जितनी भी हड्डी से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं तो मैक्सिमम में जो है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की कमी से हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है वो कैल्शियम ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वासियोकोर बीमारी की कमी के कारण होता है, किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, प्रोटीन, सोडियम, इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी कमी से जो है ये बीमारी हो जाती है, क्वासियोकोर बीमारी जो है हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, सी, प्रोटीन की कमी से यहाँ पर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? भारतीय गिद्ध, साइबेरियन सारस, हिमालय बटेर, या भारतीय तोता? तो इन चार में से वो कौन सी जो प्रजाति है जो कि अभी खतरे में नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर सही आंसर होगा डी, जो भारतीय तोता है वो अभी खतरे से बाहर है, बाकी सभी जो है साइबेरियन सारस हो गया, भारतीय गिद्ध हो गया, हिमालय बटेर हो गया, ये सभी जो है खतरे में है। गिद्ध जैसे होता है बहुत कम अब दिखाई देते हैं, तो इन ये सब जो है रेड बुक डाटा जो है
तो उनमें जो है इनके सबको जो है बताया गया कि किन 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 चीज़ों जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं, उसमें जो है सभी का जो है डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रेक्षण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से, या त्रिवंतपुरम से, या पुदुचेरी से? चार में से वो कौन सा स्थान है जहाँ से मंगलयान का जो है प्रक्षेपण किया गया था, उसे लॉन्च किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे सही आंसर होगा ए, श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है सब्जी, फल, केचुआ, एल्यूमिनियम फॉयल फॉयल। तो इन चार में से वो कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, केचुआ जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? लंदन में, पेरिस में, नई दिल्ली, शंघाई? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर सही आंसर होगा ए, लंदन में जो है इसकी वैश्विक सम्मेलन संपन्न हुआ था, जो बैठक हुई थी वो लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि होती है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी पदावधि यानी कि उसके पद की अवधि कितनी होती है ये बताना है। तो आपके सामने ये रहे चार ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों, तो चार ऑप्शन हैं आपके सामने, आप बताइए इसका सही आंसर 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 7 ईयर्स। तो इन चार में से कौन सा होगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये आपको बताना है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया? तो क्वेश्चन नंबर 25 आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सी, नाइजीरिया का जो है एक बोको हराम जो है आतंकवादी संगठन है जो कि वहाँ पे एक्टिव है। तो दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस पे बात की हुई, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था कि आप जो है अपने आंसर्स को एक नोटबुक या फिर रफ पेज पे नोट डाउन करते रहिए और वीडियो के अंत में जो है एनालिसिस कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया। तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा ही किया होगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा और उनको सही उत्तर दिए होंगे। आपने कितना अटेम्प्ट किया ये जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए बता दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अब मैं जो है ये जीके क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको लाइव लेकर आऊँगा, तो आप जो है इसका मैं टाइमिंग भी आप लोगों को बता दूंगा जिससे कि आप तैयार रहिएगा और आप जो है लाइव सेशन में शामिल हुई और वहाँ पे आप तुरंत जो है एट अ टाइम आप जो है वहाँ पे आंसर देंगे और आप अपने आप को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस अपना कर सकते हैं कि आप कितना जो है लर्न कर चुके हैं, कितना आपको अभी तक आ रहा है, कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।